खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कही के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अगली खबर है चित्रांगदा सिंह की। तो चित्रांगदा का कहना है कि जब प्यार और रिश्तों की बात आती है तो OTT फिल्मों से ज्यादा बहादुर है। जी हाँ, चित्रांगदा सिंह अपने नए प्रोजेक्ट मॉडर्न लव मुंबई को मिल रही प्रतिक्रिया से काफी खुश है और यह साबित करता है उनके अनुसार कि OTT फिल्मों की तुलना में प्यार और रिश्तों जैसे विषयों को अधिक मैच्योर तरीके से संभालता है। यह सत्य है, OTT पर कंटेंट फिल्मों की तुलना में अलग और ज्यादा मैच्योर है। उन्होंने कहा, वहाँ मुझे अभी भी लगता है कि एक खास तरह का फॉर्मूला है, बड़े पर्दे पर और बड़े पैमाने पर बाजार के लिए बनाई गई स्क्रिप्ट OTT प्रयोग करने के लिए थोड़ा अधिक स्ट्रॉन्ग है। वह आगे कहती हैं कि जब फिल्मों की बात आती है तो निर्माता आज हिट और मिस पर भरोसा कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि दर्शक वास्तव में क्या चाहते हैं। वेब पर रियलिज्म के लिए अलाउंस है और आज घर पर दर्शकों के लिए जो इसे देख रहे हैं वे कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं। यह बहुत अधिक मैच्योर, बहुत अधिक एक्सपेरिमेंटल है। लोग पर्दे पर क्या देखना चाहते हैं इसे लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता है। निर्माताओं को लगता है कि यह है या यह वो सूत्र है जो अनुमान लगा रहे हैं कि परिवर्तन क्या है। यह अभी भी चल रहा है। सिंह की एंथोलॉजी कटिंग चाय ने उन्हें अरशद वारसी के साथ चित्रित किया और शादी के बारे में बात की। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। जब हमने शुरुआत की तो हम थोड़े नर्वस थे और इसे शुरू करने से पहले हमें पता था कि शो के पश्चिमी समक्ष के साथ तत्काल तुलना होगी। हमारे डायरेक्टर भी इसे महसूस कर रहे थे। मुझे याद है ट्रेलर लॉन्च से पहले जब हम साथ थे तो सोच रहे थे कि कैसा होगा, लेकिन यह इतनी गर्म प्रतिक्रिया रही, मैं इसके बारे में काफी खुश हूँ। तो ये सीरीज करके वे काफी खुश हैं और इससे मिल रही प्रतिक्रिया से, सराहना से वे काफी खुश हैं और फैंस भी इसे देखकर काफी खुश हो रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी चित्रांगदा की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। जब भी वे कोई पोस्ट करती हैं, जब भी वे कोई वीडियो शेयर करती हैं तो लगातार उनकी पोस्ट और वीडियो पर कमेंट्स और लाइक्स की बहार सी आ जाती है। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही चटपटी सी, कुछ ऐसी ही मसालेदार सी खबरें हम लगातार यूं ही आप तक लाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने किसी पसंदीदा कलाकार के बारे में कोई जानकारी तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।